पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ये स्लोगन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां होती है। मामला पानीपत के इंदिरा कॉलोनी का है, जहां पर आज भी सरकारी स्कूलों में बच्चे गंदे केमिकल से भरे जहरीले काले पानी से गुजरकर स्कूल जाने को मजबूर है। हर रोज ऐसा ही होता है, बच्चे गटर और फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले केमिकल भरे पानी से गुजरते हैं। सालाना करोड़ों का टैक्स देने वाले पानीपत की जनता भी इससे परेशान है, इससे बुरे दिन और क्या हो सकते हैं पानीपत की जनता के। ऐतिहासिक नगरी पानीपत की ये तस्वीर देखकर अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि जिस देश का भविष्य गंदे जहरीले केमिकल युक्त पानी से गुजर रहा हो, स्कूल जाता हो, उस देश में बुलेट ट्रेन चलाने की बात बेमानी से लगती है। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें सब कुछ बतला देती हैं, और ये तस्वीरें झूठी नहीं, ये तस्वीरें हैं प्रशासन के मुंह पर तमाचा मारने वाली कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला में पढ़ने के लिए जो बच्चे जाते हैं वो किस कदर परेशानी से जूझ रहे हैं। केमिकल का पानी और इससे गुजरते बच्चे, किसी भी बीमारी के चपेट में आ सकते हैं बच्चे। अगर कुछ भी इन बच्चों को होता है, इनकी तबीयत बिगड़ती है, बीमारी की चपेट में आते हैं, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हम यहाँ पे निकलते हैं ना, तो हमारे पैर में ना चोट लग जाती है और आप दाने वाने पड़ने लगते हैं ना, इसीलिए हम ये इसी जगह से निकलते रहते हैं। इसका तो कुछ तो समाधान करना चाहिए। आते जाते रहते तो गंदे पानी में सब कीटाणु रहते हैं, तो सबके फैल जाता है बीमारी। इसलिए हम भारत को बोल रहे कि सरकार को बोल रहे कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। गंदा पानी भी आ जा रहा है, हमारे शरीर में पूरा दब जा रहा है। ज़्यादा भर जाता बरसात के दिनों में, तो बच्चों को इन पानी में से आना पड़ता जाना पड़ता, कई तरह की बीमारियां फैलती हैं, जिससे बच्चे स्कूल नहीं आ पाते, तो हमें भी क्लास कंटिन्यू करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमने प्रशासन को काफ़ी बार कहा है कि हमारी समस्या का समाधान करो, लेकिन हमें कोई समाधान मिला नहीं। जहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि वो कॉलोनी जो थी पहले वो अप्रूव नहीं थी, और ढांडा जी की कोई हम इस चीज़ के लिए धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने जो 79 कॉलोनीज को अप्रूव कराया, और उन्हीं में से ही एक इंदिरा कॉलोनी भी उसी में से ही है। और अब जल्दी ही हमारे सीवर लाइन और वाटर लाइन का काम चल रहा है, और हमने ये काम अमृत वालों को दिया हुआ है, और कुछ ही टाइम में हर आउटर कॉलोनी के अंदर सीवर लाइन डलेगी और वाटर लाइन डलेगी। ये हाल सिर्फ इंदिरा कॉलोनी का नहीं है, और भी ऐसी आउटर में कॉलोनीज हैं जहाँ पर पानी